राधे राधे एवरीवन, आप सभी का ज्ञान अनुसार में बहुत बहुत स्वागत है। तो जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाने के बाद अब बारी आती है कि हम अपने छोटे से कान्हा, छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से लल्ला की छठी मनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कान्हा जी की छठी कैसे मनाते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है। तो जैसे घर में जब कोई बालक जन्म लेता है और उसकी छठी मनाई जाती है, वैसे ही अगर आपने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है तो श्री कृष्ण जी के मनमोहक बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की छठी आपको ज़रूर मनानी चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर भी आपने जन्माष्टमी की चौकी लगाई है, आप इस पूजन को वहीं पर करें। और छठी के दिन विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ भोग के लिए मैंने पकौड़े वाली कढ़ी और चावल तैयार कर लिए हैं। अब संयोग से देखिए, आज ही मेरे यहाँ कुछ गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल भी खिले हुए हैं, तो मैं उन्हें तोड़ लूँगी और साथ में तुलसी पत्र भी। और ये सब करते हुए मैं आपको बता दूँ कि देखिए, कहीं कहीं कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और कहीं कहीं पर पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं यानी पक्के खाने का भोग लगाया जाता है, और किसी किसी के यहाँ खिचड़ी का भी भोग लगता है। तो जैसा आपके यहाँ पारिवारिक परंपरा हो, आप उस हिसाब से भोग तैयार करें। और देखिए, छठी के स्नान से पहले हम अपने छोटे से लल्ला, छोटे से लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। तो देखिए, छठी का जो स्नान है वो दोपहर के समय कराया जाता है और छठी पूजन शाम के समय यानी 4 बजे के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर मालिश के लिए अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो उसे आप लें, और ना मिले तो जो भी घी हो उससे आप मालिश करें लल्ला की। और घी की जगह पर आप जैतून का या बादाम का तेल भी मालिश के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही हल्के हाथों से हम उनकी मसाज कर लेंगे। और देखिए, जन्माष्टमी पर अगर आपने लड्डू गोपाल का जन्म कराया है तो छठी भी आपको ज़रूर मनानी है। और अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल ना हो, आपने फोटो में पूजन किया हो, तो जिस प्रकार से आपने जन्माष्टमी पर पूजन किया हो ठीक उसी प्रकार से आप पूजन वगैरह कर लें, भोग इत्यादि लगा लें छठी पर। अब देखिए, लल्ला की मालिश हो चुकी है। अब हमें कच्चा गाय का दूध लेना है, कम से कम 1.25 लीटर दूध होना चाहिए। और गाय का ना मिले तो जो भी दूध हो उसे आप ले लें। और आपको इस प्रकार से देखिए, सिर के पीछे उंगलियां लगाकर 3 बार इस कच्चे दूध में डुबकी लगवानी है। और देखिए, दूध आपको इतना लेना है कि लड्डू गोपाल उसमें डूब जाने चाहिए। आप अधिक मात्रा में भी दूध ले सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपके लड्डू गोपाल किस नंबर के हैं, किस साइज के हैं। तो इस प्रकार से देखिए, लड्डू गोपाल को हमने डुबकी लगवा ली है। और अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप शंख में पंचामृत भर के या साधारण विधि से पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और ये जो दूध है, इसे देखिए, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए, खीर या चाय बना सकते हैं या उबालकर पी भी सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दूध का भोग अब आप कान्हा जी को नहीं लगाएंगे। वैसे ये जो दूध हम सभी के लिए है, ये अमृत तुल्य हो गया है। अब एक शुद्ध पात्र में हम लड्डू गोपाल को विराजमान कर लेंगे और अब हम अपने लल्ला को स्नान करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे प्रकार से आप उनका स्नान करवा दीजिए। और ये जो जल होगा, इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिए। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो शंख में जल भरकर भी उन्हें स्नान करवा सकते हैं आज के दिन। और अब हम लड्डू गोपाल का अच्छे प्रकार से अंग पोषण कर लेंगे। और लड्डू गोपाल के स्नान के जल को आप सभी परिवारीजन प्रसाद रूप में इसे ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, छठी के दिन बच्चे को नए पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल की एक पीले रंग की पोशाक लेकर आई हूँ, साथ में पीला मुकुट, बांसुरी और जो भी ज्वेलरी, अगर आप नई लेना चाहें तो नई ले सकते हैं, वरना ज्वेलरी आप पुरानी भी उन्हें पहना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मुकुट में लगाने के लिए एक मोरपंख भी मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए, बाकी की चीज़ें आप लें ना लें, पर उनकी पोशाक नई ज़रूर ले लें। और पोशाक भी आप कोशिश करें पीले रंग की लें, क्योंकि पीले रंग का विशेष महत्व होता है छठी पर। तो ऐसा माना जाता है कि छठी के दिन षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और छठी मैया बच्चों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया गया था। इसी के कारण बच्चे के जन्म के छठवें दिन छठी पूजी जाती है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल का अच्छे प्रकार से श्रृंगार करके हमने उन्हें आसन पर विराजमान कर दिया है। और अब लड्डू गोपाल को उनकी प्रिय बांसुरी जरूर दे देंगे।
और एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे। अब हमें लेने हैं नजरिए, और ये बालक की छठी पर जरूर पहनाए जाते हैं। काले मोतियों से बने होते हैं ये, तो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, और ना मिले तो आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बच्चों को नजरिए पहनाने से बच्चों को नजर नहीं लगती, और हमारे कान्हा जी का जो मनमोहक बाल स्वरूप है यानी जो लड्डू गोपाल हैं, उनके मुख से तो नजर हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इस प्रकार से अब हम लड्डू गोपाल को तिलक कर देंगे और साथ ही साथ दीप देव का भी पूजन कर लेंगे। और अब हमें देखिए एक छोटी सी चम्मच लेनी है, और उसको आप दीपक के ऊपर इस प्रकार से पलट कर रख लें, और इसके ऊपर काजल अपने आप ही आ जाएगा, और इसे काजल पारना बोलते हैं। और यही काजल देखिए बच्चे की छठी वाले दिन लगाया जाता है, ताज़ा ताज़ा इसे पारा जाता है और इसे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल के हाथों में, उनके पैरों में, सभी जगह हम इसका टीका लगा देंगे, जिससे हमारे छोटे से लल्ला, छोटे से लड्डू गोपाल को किसी की भी नज़र ना लगे। अब देखिए सुबह के समय जो मैंने फूल तोड़े थे उन्हें मैं अर्पित कर दूंगी। देखिए सुबह ही आप फूल वगैरह तोड़ लें, तुलसी पत्र तोड़ लें, शाम के समय तुलसी पत्र या फूल ना तोड़ें। और अगर आपकी तुलसी में मंजरी हो तो मंजरी वाला तुलसी दल आप अर्पित करें लड्डू गोपाल को। और इसके साथ ही देखिए कड़ी चावल का भोग विशेष होता है जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पर जो भी ऋतु फल हो आपके पास, मिठाई हो आपके पास, या माखन मिश्री या और भी पकवानों का भोग आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। साथ में जल भी आप जरूर रख दें, और सभी भोग में देखिए तुलसी दल अवश्य डाल दें। अब इसके बाद मन में छठी मैया का स्मरण करते हुए धूप और दीप से हम प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की आरती उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो दीपक रखा था उसी से मैं आरती उतार लूंगी। आप चाहें तो अलग से दीपक लगाकर भी आरती उतार सकते हैं। और आरती संपन्न करने के बाद आप अपने यथा सामर्थ्य जितनी भी आपकी इच्छा हो 11, 21 या 51 उतने पैसे लें, और इस तरह से 5 बार घुमाते हुए लड्डू गोपाल के न्योछावर कर लेंगे। और इन पैसों से आप लड्डू गोपाल का ही कोई सामान लेकर आ जाएं। और इसके बाद देखिए लड्डू गोपाल को छठी के दिन आप झूला जरूर झुलाएं, और अगर झूला ना हो आपके पास तो आप रस्सी में पटले को बांध कर भी झूला बना सकते हैं, या फिर किसी चुनरी से उनका झूला बनाकर भी उन्हें झूला झुला सकते हैं। कुल मिलाकर छठी पर आपको लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाना है। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल का छठी पूजन संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ लड्डू गोपाल की छठी पूजा की ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और हम महिलाएं हिंदू धर्म के व्रत, तीज त्योहार कैसे मनाती हैं, उनमें पूजा कैसे करती हैं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।